जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आप सभी का सुमेध एंड वृंदा क्रिएशंस में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगी 7 सौभाग्यशाली पौधों के बारे में। लेकिन उससे पहले आप दर्शन कर लीजिए हमारी राधा रानी और कान्हा जी के। देखिए दोनों कितने मनमोहक लग रहे हैं फूलों के साथ फूल बंगले में। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो सबसे पहला पौधा है मनी प्लांट का पौधा। यह मान्यता है कि जिस घर में मनी प्लांट होता है उस घर में बहुत ज़्यादा धन और समृद्धि आती है। यह जितना ज़्यादा फैलता जाता है उतनी ज़्यादा घर में धन और समृद्धि आती है। इस पौधे को अग्निकोण में लगाना चाहिए। अग्निकोण के स्वामी हैं गणेश जी, जो हमारे घर में धन रिद्धि सिद्धि और सकारात्मक ऊर्जा को लेकर आते हैं। और दूसरा पौधा है तुलसी का पौधा। तुलसी का पौधा तो घर पर ज़रूर होना चाहिए। ये हमारे कान्हा जी को बहुत प्रिय है। इसके बिना तो हमारे कान्हा जी को भोग भी नहीं लगता। तो कान्हा जी और शालिग्राम जिस घर में हो वहाँ तुलसी का पौधा तो होना ही चाहिए। तुलसी के पौधे की पूजा भी की जाती है, लेकिन साथ साथ इसके औषधीय गुण भी बहुत हैं। और तीसरे नंबर पर है शमी पौधा। शमी के पौधे पर देवी देवताओं का वास होता है, इसलिए ये हमारे घर में सकारात्मक ऊर्जा को प्रदान करता है। शमी के फूल शंकर जी को बहुत प्रिय है और यह हमारे शनि देव का भी प्रिय पौधा है। यह हमें शनि देव के प्रकोप से भी बचाता है। और चौथे नंबर पे है अश्वगंधा। ये देखिए इसका पौधा, इसके इस तरह से फल बनते हैं जो सूखने के बाद इस तरह से लाल रंग के बन जाते हैं। इसमें से लाल रंग के बड़े ही प्यारे से बीज निकलते हैं। ये अश्वगंधा भी घर में लगाना बहुत ज़्यादा शुभ होता है, साथ साथ इसके औषधीय गुण भी हैं। और पांचवें नंबर पर है हरसिंगार, जिसे हम परिजात कहते हैं। इसके पीछे तो बहुत ही प्रसिद्ध कथा है कि श्री कृष्ण इसे स्वर्ग लोक से लेकर आए थे। और पांचवें नंबर पे है अशोका। अशोका के पौधे घर में लगाने बहुत ज़्यादा शुभ होते हैं। इन्हें पूर्व दिशा में लगाना चाहिए। ये देखिए किस तरह से मैंने ग्रो बैग में लगाए हुए हैं, क्योंकि ये बहुत लंबे वृक्ष बनते हैं। और नंबर 6 पर है अपराजिता। अपराजिता एक बेल के रूप में बढ़ती जाती है। देखिए कितनी लंबी बेल है इसकी और ये बहुत ही सुंदर लगती है। और ये देखिए इसका फूल जो बहुत ही सुंदर एक तितली की आकार का होता है, इसमें सफ़ेद रंग भी आता है और इसके भी बहुत ज़्यादा औषधीय गुण हैं। और ये फूल हमारे कान्हा जी को बहुत प्रिय है। और 7वें नंबर पे है जेड प्लांट। ये जेड प्लांट भी एक लकी प्लांट होता है, इससे हमारे घर में धन और समृद्धि की बढ़ोतरी होती है। तो ये थे 7 अति शुभ पौधे जो हमें अपने घर पर अपने गार्डन में ज़रूर लगाने चाहिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।